शिरोमणि तखत श्री अकाल तखत साहब इतिहास के पन्ने दसते हैं जदों धन गुरु रामदास जी और श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री हरिमंदर साहब जी की कार सेवा करवाई तो कुछ मिट्टी पुट के इकट्ठी करके एक थां ते चबूतरा बनाया जिस उपर गुरु रामदास जी बैठते सन। अपने समय विच धन गुरु अर्जन देव जी ने किरपा की उस चबूतरे की जगह पर एक कच्ची कोठड़ी बना दिती जिसनू सत्कार सहित सिख संगत कोठा साहब आखती है। श्री हरिमंदर साहब की नींह साई मियाँ मीर ने रखी। शिरोमणि तखत श्री अकाल तखत साहब की नींह बाबा बुढ़ा जी भाई गुरदास जी और धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने रखी। अकाल तखत का मतलब है इस उपर काल का कोई प्रभाव नहीं। यह तखत परमेश्वर अकाल पुरख का तखत है। सब तो पहला धन गुरु हरगोबिंद साहब जी नीरी पीरी दियां दो कृपाना पहन के तखत उपर विराजमान हुए। अकाल तखत की सेवा ले सब तो पहला भाई गुरदास जी मुकर्रर किए गए, फिर भाई मणि सिंह जी, भाई दरबारा सिंह जी, नवाब कपूर सिंह विरक अते जस्सा सिंह आलूवालिया का जिक्र आउंदा है। अकाल तखत साहब ते बार बार हमले हुए। सब हमलावर 152 दिनों के अंदर अंदर मारे गए। अकाल तखत साहब जी की पहली मंजिल जस्सा सिंह आलूवालिया की निगरानी विच सिख मिसलों के समय बनी। उपर दियां मंजिलां महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाईया। गुंबद की सेवा सरदार हरी सिंह नलवे ने करवाई। पुरातन मर्यादा अनुसार अज भी जदों सवेर होंदी है तो दरबार साहब के किवाड़ खुलण तो एक घंटा पहला अकाल तखत साहब के किवाड़ खुलते हैं। संगतां बाहर बैठ के सुखमणि साहब का पाठ कर दिया हन। अकाल तखत साहब का ग्रंथी श्री हरिमंदर साहब के सेवादारा के आन तो पहला जेडे श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होना है उसनू चौर करता है। हरिमंदर साहब के ग्रंथी कोठा साहब जाते हैं, अरदास की जाती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप सीस ते रख के चौर करते हुए पालकी साहब विच रखते हैं। पालकी साहब विच विराजमान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी श्री हरिमंदर साहब विखे श्रद्धापूर्वक विराजमान किए जाते हैं। इस तखत उपर बड़े इतिहासिक फैसले किए गए। ये तखत सिख धर्म की सर्वउच्च हस्ती है। अकाल तखत साहब के फैसले नूं कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। सिखां दे इस शिरोमणि तखत ने वक्-वक् समय सिख संगत की योग अगवाई की। अरदास करदे हाँ कि गुरु कृपा करन अकाल तखत साहब की मर्यादा जुगां जुगां तक कायम रहे।